ऑल जम्मू कश्मीर कंट्रैक्टर यूनियन ने जम्मू में चीफ इंजीनियर के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन महकमे आबपाशी के पास जेर इल्तवा अदायगियों के इजरा का मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि महकमे ने 2019 से कबल मुनासिब दस्तावेजात और टेंडरिंग के साथ काम एलॉट किया और अब अदायगी रोक रही है। उन्होंने मुतालबे को फौरी पूरा करने का मुतालबा किया है। उन्होंने सरकार को मुतनब्बे किया कि अगर मसाइल को जल्द हल नहीं किया गया तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। गवर्नमेंट की तरफ टेंडर वर्क थे, उनके एग्रीमेंट भी हैं, अलाटमेंट्स भी हैं, वो कंट्रैक्टर्स ने काम किए थे। यूटी बनने के बाद जो पिछले जो काम थे अर्थ माइल गवर्नमेंट के जो काम करवाए हुए थे उनको सब पे रोक लगा दी गई, उनको पेंडिंग लाइबिलिटी में डाल दिया गया। लेकिन लाइबिलिटी जो है वो कंट्रैक्टर्स की क्लियर नहीं की जा रही। हम पेमेंट्स चाहते हैं, पेमेंट्स कंट्रैक्टर्स की काम किए हुए कामों की पेमेंट इमीडिएट रिलीज कर दे गवर्नमेंट, हम ये चाहते हैं, वरना हमें कोई सख्त एक्शन लेने पे मजबूर होना पड़ेगा। पीडीएफ सदर और साबिक वजीर हकीम यासी ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। हकीम यासी ने कहा कि हुकूमत तामीर तरक्की के बुलंदबांग दावे कर रही है, मगर हकीकत में इस हुकूमत ने वही काम किया जो माजी में यहां के सियासतदानों ने मंजूर किए थे। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने कोई भी काम नया नहीं किया। खान साहब बडगाम में पार्टी कन्वेंशन के दौरान हकीम यासी ने एक मरतबा फिर से सरकार से अपील की कि यहां जल्द अज जल्द इंतखाबात कराए जाएं ताकि आवाम को सियासी नुमाइंदगी मिले। उन्होंने मजीद कहा कि यहां इंतखाबात न कराना जमहूरियत के खिलाफ है और आवाम का काफी नुकसान हो रहा है। हकीम यासी ने मजीद कहा कि मौजूदा वक्त में बेरोजगारी का आलम है और कई पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार है और मौजूदा हुकूमत उन्हें रोजगार फराहम करने में नाकाम हुई है। वाजर है आज पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट का योम तासीस था और इस मौके पर खान साहब में भारी तादाद में पार्टी वर्करों और लीडरान ने शिरकत की। आगे बढ़ते हैं। अवाम को फायदा पहुंचाना और नौजवानों को मुख्तलिफ कोर्सेज के तहत ट्रेनिंग फराहम करने का सिलसिला जारी है। आज सीआरपीएफ 35 बटालियन की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बड़गाम में जीएसटी से मुतलिक कोर्स का आगाज किया। एक माह तक जारी रहने वाले इस कोर्स में कई तलबा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस कोर्स के दौरान उन्हें नया सीखने को मिलेगा जिससे उनको काफी फायदा होगा। वहीं 35 बटालियन सीआरपीएफ के सीओ विष्णु द्विवेदी ने कहा कि वो इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद कराते आ रहे हैं ताकि तलबा को मदद मिले। छोटे शॉपकीपर्स हैं जो भी हैं उन सभी को जीएसटी ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। इन सभी जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इनके कैरियर में एक एड ऑन तो इंग्लिश बोलना चाहिए। बोलना